तो नमस्कार बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज का बच्चों आज हम कक्षा बारह आपका पूरा इंग्लिश का जो रीडर का सिलेबस है वो लेकर आए हैं तो पहले मैंने टेस्ट बुक जो को प्रोज बोलते हैं तो प्रोज के यहाँ पर सारे चैप्टर्स कवर किए हैं टोटल आपके आठ चैप्टर यहाँ पर होने वाले हैं तो चलिए फटाफट से बच्चों बिना देर के हुए क्लास ट्वेल्व के सारे आपको इंग्लिश के वन बाय वन चैप्टर बताते हैं और ये जो है दो के और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब की बच्चों ये जो भी चैप्टर्स हम आपको यहाँ पर कराएंगे इन सबको आपको पढ़ के जाना है और पेपर में इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएंगे कहीं आप अपनी बुक में जो है इनको टिक कर लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ कुछ दूसरा रहे पेपरों को दूसरा आ रहा है तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें कि जो यहाँ पर आपको कराया जा रहा है सिर्फ उतने ही चैप्टर्स को आपको पढ़ के आना है चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर देखेंगे बच्चों यहाँ पर है लास्ट लेसन कौन सा द लास्ट लेसन जिसको इसने लिखा है अल्फोंस डाउडेट को लिखा है ठीक है अल्फोंस ने जिसको लिखा है बात करें बच्चों दूसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर यहां पर आपका लॉस्ट स्प्रिंग होने वाला है लॉस्ट स्प्रिंग इसको लिखा है एनीस जंग ने किसने लिखा है एनिस जंग ने बच्चों बात करें आपका तीसरा चैप्टर जो डीप वाटर है इसको लिखा है आपका विलियम डगलस इनका यहां पर सी भी लिखा जाता है विलियम सी डगलस इनका पूरा नाम है ठीक है बच्चों विलियम डगलस ने यहाँ पर आपका लिखा है अगला बात करें बच्चों द र तो दर यहां पर किसने लिखा है इसको आपका लिखा है सेल्मा लेजर लॉफ ने ठीक है सेल्मा लेजर लॉफ ने यहां पर आपको इसको लिखा हुआ है चौथा चैप्टर को ठीक है बच्चों बात करें अगर आपके पांचवा चैप्टर की तो पांचवा चैप्टर आप यहां पर देख रहे होंगे पांचवा चैप्टर बच्चों तो आपको यहां पर लिखा हुआ है इंडिगो इंडिगो किसने लिखा है तो इंडिगो लिखा है बच्चों लॉयस फिशर ने किसने लॉयस फिशर ने यहां पर आपका लिखा है बात करें छाठवा चैप्टर की तो छाठवा चैप्टर बच्चों पोइट्स एंड Penax, and pancakes, poets and एंड इसको लिखा है किसका आपका एसो कैमिट ने ठीक है एसो कैमिट्रैन ने इसको आपको लिखा हुआ है बात करें बच्चों सातवां चैप्टर की तो सातवां चैप्टर कौन सा है आपका द इंटरव्यू अब देखिए द इंटरव्यू में दो पार्ट है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड तो द इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट है इसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने किसने ने पार्ट सेकंड की अगर बात करें तो ये है इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको इसको लिखा है इंटरव्यू के पार्ट सेकंड के लिए अगला अंतिम बात करें बच्चों चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस कौन सा गोइंग प्लेसेस इसको लिखा है आपका ए आर बर्टन ने किसने लिखा है ए आर बर्टन ने लिखा है तो ये हो गए बच्चों आपको प्रोज के टोटल चैप्टर्स यानी आठ चैप्टर प्रोज के हो गए इसके बाद हम पोएट्री और सप्लीमेंट्री का आपको इसी वीडियो में बता देते हैं तो अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई है ना चलिए फटाफट से आपको पोएट्री में लेकर चलते हैं तो बच्चों ये है पोएट्री के आपके चैप्टर तो पोएट्री के यहाँ पे आपके सिक्स चैप्टर यानी छह चैप्टर टोटल आपके यहाँ पर होने वाले हैं तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर देखिए पहला चैप्टर है बच्चों माई मदर एट सिक्सटी सिक्स माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इसको लिखा आपका कमला दास ने, ने दास ने लिखा है कमला दास ध्यान रखेंगे कमाला किसने लिखा बच्चों कमला दास ने लिखा है अगला आपका बात करें एंड एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम स्लम ठीक है तो ये चैप्टर इस बार जो है आपका वो कटा हुआ है ठीक है इसको लिखा है स्टेफेन स्पेंडर ने ये आपका इस बार क्या हुआ है कटा हुआ है बिल्कुल आप इसको ध्यान देंगे कि ये चैप्टर जो है इस बार आपका कटा हुआ है ठीक है कौन सा एंडलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम स्टेप स्पेंडर द्वारा कटा हुआ है बात करें बच्चों अब आप आपका ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा है तो तीसरा तो यह है कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट को लिखा है आपका पैबलो नेरुडा ने किसने लिखा है कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा ने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बात करें बच्चों का कर चा, चौथे चैप्टर की तो चौथा चैप्टर है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सा थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा गया है किसके द्वारा बच्चों ये जॉन कीट्स के द्वारा यहां पर लिखा गया है किसके द्वारा जॉन कीट्स के द्वारा यहां पर लिखा गया है अगला बात करें पांचवा चैप्टर ए रोड साइड स्टैंड ए रोड साइड स्टैंड ये लिखा गया है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है बात करें छाठवा चैप्टर की तो छाठवा चैप्टर यहाँ पर आंट जेनिफर टाइगर कौन सा आंट जेनिफर टाइगर टाइगर जो लिखा गया बच्चों वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है एड्रिन रिच के द्वारा यहाँ पर चैप्टर आपका लिखा गया है तो उम्मीद करता हूं कि पोयट्री के आपके छे के छह चैप्टर समझ में आ गए होंगे चलिए आपको सप्लीमेंट्री पर लेकर चलते हैं और सप्लीमेंट्री के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है तो अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो सिर्फ इस और सिर्फ इसी, इसी सिलेबस इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने हैं बच्चों चलिए फटाफट से बिना देखते हुए आपको सप्लीमेंट्री पर लेकर चलते हैं तो बच्चों अब हम आ गए हैं विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर पर ठीक है तो चलिए फटाफट सप्लीमेंटरी रीडर का आपको दिखा देते हैं पहला देखेंगे तो है द थर्ड लेवल कौन सा द थर्ड लेवल इसको लिखा है जैक जैकनी ने इसने लिखा है द थर्ड लेवल बच्चों जैक फिनी ने यहां पर आपका लिखा है द थर्ड लेवल बात करें बच्चों दूसरा दूसरा है द टाइगर किंग द टाइगर किंग जिसको लिखा है आपका कलकी ने किसने लिखा है कलकी ने लिखा है बच्चों आपका द टाइगर किंग बात करें बच्चों तीसरा चैप्टर की तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कौन सा जर्नी टू द ऑफ द अर्थ बच्चों इसको लिखा है आपका तिशानी दोषी ने किसने लिखा है तिशानी दोषी ने लिखा हुआ है बात करें तीन चैप्टर तक आपका हो गया है बच्चों चलिए बात करते हैं चौथे चैप्टर की तो चौथा चैप्टर है आपका बच्चों द इनेमी इसको लिखा है पर्ल एस बक ने किसने लिखा है पर्ल एस बक ने यहाँ पर आपका चौथा चैप्टर लिखा है बात करें बच्चों पांचवा चैप्टर की तो पांचवा चैप्टर है सुट विजार्ड हिट मॉमी सुट विजार्ड हिट मम्मी ये आपका इस बार जो है बच्चों कटा हुआ चैप्टर है ठीक है इस बार ये आपका कटा हुआ है इसको लिखा है जॉन अप डाइक ने जॉन अप डाइक ने इसको लिखा हुआ है क्या बात करें बच्चों छाठवा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट इसको लिखा है सुसन हिल ने किसने लिखा बच्चों सुसन हिल ने लिखा हुआ है बात करें बच्चों सातवेंट एन ओ लेवल इसको लिखा है आपका कोलिन डेक्स्टर ने किसने लिखा बच्चों कोलिन डेक्स्टर ने यहां पर आपका लिखा हुआ है बच्चों बात करें आठवा चैप्टर की तो आठवां चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ चाइल्ड दो पार्ट हैं. देखिए आपको दिखाते हैं ठीक है इसमें आपके दो पार्ट हैं बच्चों तो पहला है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जिसको लिखा है जिटकला साने जि किसने लिखा है जिटकला साने क्या है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर यानी मेरे लंबे बालों का काटा जाना इसको किसने लिखा बच्चों तो इसको आपका लिखा है जिटकला साने किसने लिखा है बच्चों जिटकला साने लिखा हुआ है बात करें दूसरा चैप्टर की दूसरा चैप्टर है वी टू वी माने हम टू माने भी आर माने हैं ह्यूमन माने मनुष्य बींग मतलब मनु, उत्तर वाली चीज है तो लिखा है आपका बच्चों बामा किस ने किसने लिखा है आपका बामा ने लिखा हुआ है तो बच्चों ये था टोटल आपका अप्रोच पोएट्री और सप्लीमेंट्री का सिलेबस इसके साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि इसी में हमने आपका क्लास ट्वेल्व का किस क्लास का क्लास ट्वेल्व का आपका जो बायो का सिलेबस है वो भी हमने यहाँ पर कवर कराया है उसके साथ साथ बच्चों क्लास ट्वेल्व के इंग्लिश का सिलेबस की वीडियो आ ही गई है आपके लिए इसके साथ साथ बच्चों आपका फिजिक्स का भी सिलेबस मैंने कवर कराया है ठीक है केमिस्ट्री का भी सिलेबस मैंने कवर कराया है आपका क्या है इसके साथ साथ हिंदी का भी मैंने यहाँ पर सिलेबस आपको कवर कराया तो आपके ये पांच के पांचों जो सब्जेक्ट हो जाते हैं बच्चों तो इन सबको मैंने यहाँ पर क्या किया है आपके लिए

करूंगा साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए तुरंत आपको उस टॉपिक वीडियो बना के मिल जाएगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम